नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आज यहाँ वहां की बहुत सारी भाषण टाइप की बातें ना करूंगी आपसे, सीधे कहानी पर आते हैं। तो देखिए जी, कहानी इस तरह की है कि एक बार की बात है, एक लड़का था, 30 साल का था। देखिए, ये जो कहानी है ना, मैं आपको बता दूं कि कुछ बात कम्युनिकेट करने के लिए बनाई गई है कि आपको सार कम्युनिकेट किया जा सके, मनगढ़ंत है। तो एक लड़का था, 30 साल का लड़का था, उसकी मृत्यु आ गई। तो जी, सुबह सुबह उठा और यमराज उसे लेने के लिए आ पहुंचे। लड़का कहने लगा कि अरे, अभी तो मेरी शादी हुई थी, अभी अभी बच्चा हुआ है, इंश्योरेंस, मेरी FD, मेरे इन्वेस्टमेंट मैंने तो अपनी बीवी को बताया नहीं। अभी जब इंसान 60-65 साल का हो जाता है, तब तो ये सारी बातें परिवार में बताकर रखता है। लड़का तो अभी 30 साल का था, उसने कुछ बताया नहीं। तो कहता, और मेरी मृत्यु आ गई जी। तो यमराज बोलते, देखो जी, इस लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है, ठीक है, तो मैं तो तुम्हें अभी लेके जाऊंगा। कहानी मनगढ़ंत है, क्योंकि सच में ऐसा होता नहीं है। जब सच में तो होता है तो वो बात नहीं करते, सीधे लेके चले जाते हैं। तो अब लड़के ने कहा, ठीक है यमराज जी, मैं चलता हूं आपके साथ, मुझे चाय पी लेने दीजिए, चाय पीना अच्छा लगता है मुझे, एक इच्छा थी मेरी। तो यमराज कहते, चल ठीक है, तू चाय पी ले, चाय बना ले। तो चाय बनाता है। अब चाय बनाते में ये लड़का क्या करता है कि एक नींद की गोली चाय में डाल देता है। चाय में नींद की गोली चली गई, यमराज जी को चाय देता है, यमराज सो जाते हैं। जब यमराज सो जाते हैं तो ये क्या करता है कि जो लिस्ट थी यमराज के पास, उस लिस्ट में से पहले नंबर पे अपना नाम काट देता है और सबसे लास्ट पर डाल देता है। क्यों? सोचता है कि एक दिन का टाइम मिल जाएगा, मुझे अपनी बीवी को कुछ बता दूंगा, माँ बाप को कुछ बता दूंगा, बच्चे को जी भर के देख लूंगा, फिर मृत्यु तो है ही, जाना तो है ही। अब यमराज सो के उठते हैं, बोलते हैं कि तू ना बहुत अच्छा आदमी है, मैं जब जाता हूं लोगों के पास तो लोग मुझे, मतलब डरते हैं मुझसे, मुझे उसके जो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके रिश्तेदार तो मुझे नकारते हैं, डरते हैं, तो तूने तो मुझे कितने अच्छे से मुझसे बात की, मुझे चाय पिलाई, तो तू आदमी बहुत अच्छा, मैं तेरे लिए एक काम करना चाहता हूं, मैं आज ये जो लिस्ट है इसे नीचे से चालू करूंगा। अब नीचे तो उसी का नाम था, तो जाते हैं भगवान के पास, जाना तो पड़ता ही है। तो भगवान उसे कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू जो करे वही जो मैं चाहता हूं, तो होगा वही जो तू चाहता है। तो इसका सार क्या निकला कि हमें जीवन में वही करना चाहिए जो सही है, हमें जीवन में वही करना चाहिए जो हमें करना है, ना कि जो हमारा मन कह रहा है। अगर हमारे 5 दिन बाद कोई परीक्षा है, कोई एग्जाम्स है और हमें बाइक पे घूमने का मन कर रहा है, तो हमें वो नहीं करना है, हमें वही करना है जो कि हमें करना चाहिए, न कि जो हमारा करने का मन कर रहा है। और जो हमें करना चाहिए वही ईश्वर की भी इच्छा है, तो अच्छाई के मार्ग पे चलिए, जो हमें करना है, जो हमारे कर्म है वही कीजिए, तो आपके जीवन में वही होगा जो आप चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। आप सभी वो सारे काम करें जो आप करना चाहते हैं और जो ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं, और वो अचीव करें जो आप अचीव करना चाहते हैं।